हाय फूडीज, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेंच डिश रैटाटुई की रेसिपी। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाना। रैटाटुई को बनाने के लिए हमें चाहिए एक जुकीनी, एक येलो स्क्वाश, एक बैंगन, ब्रिंजल, टमाटो। उसके साथ ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, धनिया, बेजिल और ये रेड और येलो पेपर्स करीबन आधा बोल, दो कु टेबल स्पून हमारे लहसुन के हो गए, और ये टमाटो प्यूरी। स्पाइसेस में हम इस्तेमाल करेंगे थाइम और चिली फ्लेक्स का, और उसके साथ सॉल्ट एंड पेपर टेस्ट के अकॉर्डिंग और ऑलिव ऑयल। तो सबसे पहले हमने जुकनी, येलो स्क्वाश, ब्रिंजल, टमाटोज को गोल गोल काट लेना। तो आपने जुकीनी की पहले एजेस काट लेनी है और फिर इसको गोल गोल काटना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। एक पैन आप रखिए, उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, करीबन 1-1.5 चम्मच। फिर इसमें आप गार्लिक को डाल दीजिए, फिर आप इसमें प्याज डाल दीजिए और इस तरह से इसको हल्का हल्का भून लीजिए। सर, प्याज थोड़ा सा भुन गया है, अब इसमें हम ये रेड और येलो पेपर्स ये दोनों डाल के हल्का हल्का इसको भी भून लेंगे। तो 3-4 मिनट इस तरह से पकाने के बाद आप इसमें टमाटो प्यूरी डाल दीजिए और इसको मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा सा पेपर डाल दीजिए और फिर आप इसमें ये जो चॉप्ड इटालियन बेसिल है वो आप डाल दीजिए। अगर बेसिल नहीं हो तो आप इसमें धनिया भी डाल सकते हो या पार्सले डाल सकते हो। ये तो घर में तुलसी तो लगी होती है, उसका पत्ता तोड़ के डाल दीजिए। तो ये हमारी रैटाटुई की सॉस बनके तैयार है। अब हम इसको असेंबल करेंगे। तो ये जो सॉस हमने तैयार की थी वो आप एक डिश में लगा दीजिए, हिला दीजिए इसको अच्छी तरह से। तो इस तरह से आपने जुकनी, येलो स्क्वाश, ये बैंगन जो हमने काट के इसकी शेप का बना लिया है, और टमाटर ये लेके इस तरह से हमने इसको लगा देना। इसी तरह से हमने इसको बिल्डअप करना है। ये देखिए, एक बोल में आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले लीजिए। अब हम इसकी ड्रेसिंग बनाने जा रहे हैं, तो इसमें आपने ये थोड़ा सा गार्लिक जो है वो क्रश करके डाल लेना है, करीबन 2-3 पीसेस। उसके साथ ही इसमें थोड़ा सा थाइम डाल दीजिए आप, ये बेजिल डालिए, थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए और इसको मिक्स कर लीजिए। तो अब इस पर थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर दीजिए, थोड़ा सा पेपर, और इस समय अगर आप चिली फ्लेक्स चाहें तो थोड़े से चिली फ्लेक्स भी आप स्प्रिंकल कर दें इसके ऊपर, अगर आप हल्का सा स्पाइस पसंद करते हैं। और फिर ये जो आपने ड्रेसिंग बनाई है इसको आपने इसके ऊपर डाल दें। अब आप इसको फॉइल से कवर करें और अवन में करीबन आधे घंटे के लिए बेक करने के लिए रख दें, फुल 250 डिग्री सेंटीग्रेड से। ये रैटाटुई बनके तैयार है, इसको आप गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं।